अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि औद्योगिक रोबोट जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को स्वचालित कर सकता है और आसानी से कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम बताएंगे कि स्वचालित पदार्थ स्थानांतरण भंडारण इकाई के द्वारा उसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है और उसको मटेरियल को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। फिर है विभिन्न अवयवों के संयोजन के लिए ऑटोमेटिक असेंबली मशीन, विभिन्न प्रकार के जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक जगह पर संयोजित किया जाता है और संयोजित करने के बाद उनको आगे की ओर जोड़ा जाता है। तो जब अवयव को हम संयोजन कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक असेंबली मशीन के द्वारा किया जाता है। असेंबली का मतलब ये होता है जोड़ना, कुल मिला के। तो जहाँ पर भी आपको असेंबली का नाम मिलता है तो आप समझ जाइए वहाँ पर जोड़ने की प्रक्रिया ही की जा रही है, वहाँ पर जोड़ने की प्रक्रिया ही की जा रही है। तो ऑटोमेटिक असेंबली मशीन के द्वारा ही उनको क्या किया जा रहा है, जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ठीक। तो विभिन्न अवयवों के संयोजन के लिए ऑटोमेटिक असेंबली मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब छोटे छोटे अवयव जो होते हैं उनको एक पॉइंट पर संयोजित किया जाए, इकट्ठा किया जाएगा और ऑटोमेटिक असेंबली मशीन के द्वारा उनको जोड़ने का कार्य किया जाएगा। तो ऑटोमेटिक असेंबली मशीन द्वारा विभिन्न प्रकार के अवयवों को एक स्थान पर जोड़ा जा सकता है और यह भी किसका है, स्वचालन के अवयव के अंतर्गत आएंगे। फिर है नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रोल। जो फीडबैक कंट्रोल है तो इसका मतलब यह हुआ यह किसी स्वचालित निकाय के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। स्वचालित निकाय होगा उसकी एक कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है, अगर ये नहीं रहेगा तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि जो कार्य हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो यह किसी स्वचालित निकाय की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है और इसमें निम्न अवयव होते हैं जैसे सेंसर, एनालाइजर, एक्चुएटर और ड्राइव। ये चार प्रकार के होते हैं जो सारा डाटा आउटपुट के रूप में उसको प्रोवाइड कराते रहते हैं कि सही ढंग से कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसके लिए जो अवयव होते हैं वो निम्न है, जैसे सेंसर, यह किसी स्वचाल निकाय का सबसे पहला महत्वपूर्ण अंग होता है। मतलब स्वचालन में अगर सिस्टम ऑटोमेटिक है, स्वयं चल रहा है, तो उसके उसमें हम सेंसर का प्रयोग करते हैं जिससे कि वह हर चीज़ों को अंदर के पार्ट्स को क्या करता है, सेंस करके हमको जानकारी देता है कि वो सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो यह किसी स्वचालन निकाय का पहला सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और यह वह उपकरण है जिसकी सहायता से भौतिक गुणों में परिवर्तन को पहचाना जाता है। अब हम ये पढ़ा भी चुके हैं आपको कि भौतिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण वह गुण होते हैं जिसके अंतर्गत हम शेप, साइज, कलर ये सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। तो भौतिक गुणों में क्या परिवर्तन हो रहा है वो सेंसर के द्वारा ही आपको बताया जाएगा। तो यह किसी स्वचालन निकाय का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और यह वह उपकरण है जिसकी सहायता से भौतिक गुणों में आंतरिक परिवर्तन को मेजर या पहचाना जा सकता है। जब यह सब चीज़ को पहचान लेगा तो उसे वो सिग्नल में परिवर्तित कर देगा जिसमें उसको मापा जा सके। देखिए सेंसर जो भी डाटा हमको प्रोवाइड कराएगा वो एक सिग्नल के रूप में हमको प्रोवाइड कराता है, वो उसको समझता है, वो उसका अध्ययन करता है भौतिक गुणों में, लेकिन उसको हमको जो सिग्नल जो आउटपुट देगा वो सिग्नल के रूप में हमको वो बताएगा। महसूस तो सब करेगा, जैसे कि भौतिक गुण आपके सूंघने की क्षमता, आपको सूंघ और फिर उसके बाद आपके टेम्परेचर को माप सकता है, फिर आपके कलर को देख सकता है, ये सारी चीज़ें भौतिक गुणों के अंतर्गत आती हैं। अब इन चीज़ों को वो सिग्नल के रूप में देगा और उसके आधार पर हम उसको माप सकते हैं। भाई अगर उसने आपको सिग्नल दिया कि नहीं यहाँ टेम्परेचर का होना चाहिए 20 डिग्री और दिखा रहा है 40 डिग्री, तो अब आप समझ जाएंगे ये अलार्म है आपके लिए कि ये सिग्नल भी मिल गया, टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है और उसको हमको कम करना पड़ेगा। तो सेंसर के द्वारा उसको आसानी से क्या कि सेंस करके उसके ऊपर क्रिया की जा सकती है। फिर है ट्रांसड्यूसर की सहायता से भौतिक गुणों को सिग्नल में परिवर्तित। एक ट्रांसड्यूसर एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से भौतिक गुणों को सिग्नल में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर की सहायता से भौतिक गुणों को सिग्नल में परिवर्तित किया जा सकता है।
तो सेंसर क्या था, जो ये चार पॉइंट्स आपके फीडबैक कंट्रोल में, फीडबैक कंट्रोल का मतलब कि उनके आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए जो हम फीडबैक डिवाइस लगाए, जो हमको सारा डाटा हमको या निर्देशित करेंगे या सिग्नल देंगे, वो चार हमारे हैं। पहला है आपका सेंसर, दूसरा है एक्चुएटर, तीसरा है फिर एनालाइजर और चौथा है ड्राइव्स। फिर अब आते हैं उसके नीचे में, देखें कि यहाँ पे एक फिगर बना है, देख सकते हैं आप कि फिजिकल पैरामीटर और सेंसर। तो सेंसर के पॉइंट्स में इनपुट के रूप में उसको मिल रहा है फिजिकल पैरामीटर, और फिजिकल हम बताए भी थे कि भौतिक गुण सेंसर क्या करता है, सेंस करता है, और भौतिक प्राप्त भौतिक गुणों को वो सेंस करके फिर सिग्नल में परिवर्तित सिग्नल के रूप में उसको मापता है। तो जो भौतिक गुणों को सिग्नल के रूप में परिवर्तित करता है वो डिवाइस कहलाता है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों को सिग्नल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सेंसर जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सेंस करता है और फिर सिग्नल के रूप में उसको अध्ययन करता है। ठीक, तो सेंसर क्या करता है, सेंसर के द्वारा भौतिक गुणों में जो भी परिवर्तन होगा उसको पहचाना जाएगा। अगर पहचाना नहीं जाएगा, अगर पहचाना नहीं जाएगा तब तक हमको उसके क्रिया के बारे में पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो जो फिजिकल पैरामीटर आप देख सकते हैं कि सेंसर से पहले है, यहाँ पर भौतिक गुणों को क्या करेगा, सेंसर क्या करता है, उन सारी चीज़ों को सेंसर पहचानता है, किन चीज़ों को, भौतिक गुणों में परिवर्तन को, और फिर उसे सिग्नल ग्रुप में उसको प्राप्त कराता है और हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो फिजिकल पैरामीटर किसको प्राप्त हो रहा है, सेंसर को, और सेंसर फिर सेंसर उसको पहचानता है, अध्ययन करता है और फिर उसको आउटपुट सिग्नल के रूप में प्राप्त कराता है। फिर है एनालाइजर, यह सेंसर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का आकलन कर उसको अगले चरण के लिए क्रियान्वित करता है। अब देखिए, यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह सेंसर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का आकलन कर, यह सेंसर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का आकलन कर उसको अगले चरण के लिए क्रियान्वित करता है। सेंसर से जो भी डाटा हमको, जो भी सिग्नल हमको प्राप्त हो रहा है वो उसका आकलन कर लेता है और उसको अगले चरण के लिए क्रियान्वित कर देता है। एनालाइजर, एनालाइज का मतलब होता है उसको कह सकते हैं ना कि उसको विश्लेषित करना, उसको एनालाइज करेगा वो। ठीक, तो सेंसर द्वारा प्राप्त सूचनाओं को वो क्या करेगा, पढ़ेगा और अध्ययन करेगा और फिर उसको आगे के चरणों के लिए वो क्रियान्वित कर देगा। यह सेंसर द्वारा सूचनाओं का आकलन कर उसको अगले चरण के लिए क्रियान्वित करता है। ठीक है, अगले चरण के लिए क्रियान्वित करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसके अवयव निम्न होते हैं, सबसे पहला है कंप्यूटर, फिर है काउंटर, फिर है आपका टिम्बर, फिर है बार कोड रीडर और फिर है ऑप्टिकल इनकोडर। ये पाँच प्रकार के अवयव आपके हैं जो एनालाइजर के अंतर्गत आ रहे हैं। पहला है कंप्यूटर, फिर है आपका काउंटर, फिर है आपका टिम्बर, फिर है बार कोड रीडर और फिर है आपका ऑप्टिकल इनकोडर। ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आ रही हैं। तो एनालाइजर क्या करता है, ये सेंसर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का आकलन कर उसको अगले चरण के लिए क्रियान्वित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसकी सहायता से निम्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं और उसके अवयव निम्न होते हैं। सबसे पहला आपका है कंप्यूटर, फिर है काउंटर, फिर है टिम्बर, फिर है बार कोड रीडर, फिर ऑप्टिकल इनकोडर। अब आते हैं उसका अगला है पार्ट है एक्चुएटर, उत्पादन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद अगले चरण प्रक्रिया को क्रियान्वित करना होता है। तो उत्पादन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद जो अगला चरण होता है वो प्रक्रिया को क्रियान्वित, एक्चुएटर का मतलब होता है ये उसको एक्चुएट करेगा, मतलब उसको क्रियान्वित करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा उसके ऊपर। तो उत्पादन के आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार हो गया, सेंसर के द्वारा भी हो गया, एनालाइजर के द्वारा भी हो गया। तो हमको जो भी विश्लेषित आंकड़ा मिला विश्लेषण के बाद अगला चरण प्रक्रिया को हमको क्रियान्वित करना है, मतलब हमको जो भी डाटा हमको मिला अब उसके ऊपर हमको काम करना है। कुल मिला की बात यह है कि हमको जो भी प्राप्त सूचनाएं हमको मिली हैं ऊपर से, या निर्देशों का सेट हमको जो प्राप्त हुआ, या आंकड़ों के आधार पर जो भी हमको प्राप्त हुआ, अब उनके ऊपर हमको क्रियान्वित करना है और उन्हीं के ऊपर कार्य करना है। तो एक्चुएटर क्या करेगा, वो उत्पादन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद अगले चरण की प्रक्रिया को
क्रियान्वित करेगा। और एक्चुएटर एक विद्युत सर्किट होता है, एक्चुएटर जो होता है वो एक विद्युत सर्किट होता है। मतलब अब इस वाले स्टेप में या इस अवयव के द्वारा जो भी डाटा आपको ऊपर के निर्देशों के द्वारा प्राप्त हुआ, अब उस पर क्रिया करना है और क्रिया करने के बाद उसको हमको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कराना है। तो एक्चुएटर के द्वारा क्या होता है, जो भी आंकड़े मिलते हैं, जो विश्लेषित आंकड़े हमको मिलेंगे, उस पर क्रिया करने का ही कार्य होता है। इसमें उदाहरण है, देख लीजिए, जैसे पहला है सिलेंडर, फिर है आपका सोलेनोइड रिले, अब आइए अगला आपका है ड्राइव्स, ये भी है जो आपके अवयव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। जैसे ड्राइव जो होते हैं वो कंप्यूटर कंट्रोल निकाय द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करते हैं। जो ड्राइव होंगे या चालक होंगे वो कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कार्य को करेंगे। तो कंप्यूटर कंट्रोल निकाय द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करेंगे। अब कंप्यूटर कंट्रोल निकाय का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि जैसे कि सेंसर, आपके एनालाइजर, एक्चुएटर, ठीक, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कंट्रोल निकाय पे हैं, सिस्टम के अंतर्गत होते हैं, और ये इनके द्वारा दिए गए निर्देशों पर कौन काम करेगा, ड्राइव्स काम करेंगे। मतलब हमको निर्देश किसी को, मतलब ड्राइव्स का काम ये है कि उनको निर्देश मिलता रहे किसके द्वारा, कंट्रोलर के द्वारा, तब वो जाके कार्य को कर पाएंगे। अगर उनको निर्देश नहीं मिलेगा तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला है विद्युत मोटर, फिर है स्टेपर मोटर, फिर है डीसी सर्वो मोटर, और फिर है उनके लीनियर मोटर। तो इसमें आप आरेख एक देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो जा रही है आपकी कंट्रोलर में। हम पहला बताए थे कि आपके स्वचारण के जो तीन अवयव थे, पहला था शक्ति स्रोत, दूसरा आपका था कंट्रोलर, और तीसरा था आपका ड्राइव्स। तो आप देख सकते हैं कि जो पावर स्रोत है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो दी जा रही है कंट्रोलर को, और कंट्रोलर से फिर वो चली गई है वो ड्राइवर पर, ड्राइव्स पे, और ड्राइव से फिर स्टेपर मोटर। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जो दी जाएगी वो कंट्रोलर को दी जाएगी, और कंट्रोलर से ही सारी चीज़ें क्रियान्वित होके, और यहाँ पर कंट्रोलर में चार प्रकार के अवयव आपके लगे होंगे। चार प्रकार के अवयव का लगने का मतलब ये है कि वहाँ पर सेंसर लगा होगा इस कंट्रोलर में, यहाँ पर पल्स कंट्रोलर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो इस कंट्रोलर में आपके सेंसर लगे होंगे, एनालाइजर लगे होंगे, एक्चुएटर लगे होंगे, तीन चीज़ें इसमें लगी हैं। अब फिर उसके बाद वो ड्राइवर को डाटा देंगे, और ड्राइवर ऊपर द्वारा निर्देशित दिए गए आंकड़ों या आंकड़ों के अनुसार उसको चल, उस पर क्रिया करेगा और चलने का कार्य करेगा, और चलेगा वो स्टेपर मोटर के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि ये पावर की जो सप्लाई है वो कंट्रोलर को मिली, और कंट्रोलर के द्वारा फिर वो ड्राइव्स पे मिली, और ड्राइव्स के द्वारा इंफॉर्मेशन फिर स्टेपर मोटर को मिली, और मोटर के द्वारा फिर उत्पादन की प्रक्रिया आगे की ओर क्रियान्वित की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक चैनल के थ्रू सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि स्वचालन के अवयव के बारे में समझाइए, तो आपको एग्ज़ाम में ये लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको विद्युत स्रोत प्राप्त होता है, और विद्युत स्रोत के द्वारा हम कंट्रोलर को विद्युत स्रोत की प्राप्ति होती है। तो कंट्रोलर के अंदर जो विद्युत स्रोत पहुंचता है वो चार चीज़ों को एक्टिव करेगा, एक आपका सेंसर को करेगा, फिर एक्चुएटर को करेगा, फिर एनालाइजर को करेगा, और फिर आपका ड्राइव को करेगा। और ड्राइव्स जब चलती हैं, और ड्राइव्स के चलने का माध्यम बस स्टेपर मोटर है, और स्टेपर मोटर के चलने से आगे के प्रोडक्ट के बनने के निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो ये हैं आपके स्वचालन के तीन प्रकार के अवयव। अब अगला पढ़ते हैं स्वचालन की नीतियाँ। भाई हर प्रकार की नीतियाँ होती हैं, तो उसी प्रकार से स्वचालन की भी नीतियाँ निर्धारित होती हैं, और उन्हीं नीतियों के अनुसार कार्य को करना रहता है। सबसे पहले है प्रक्रम की विशेषताएँ। सबसे पहली जो नीति के अंतर्गत है प्रक्रम की विशेषताएं, तो हमको हर प्रक्रम की विशेषताओं को समझना पड़ेगा। मतलब स्वचालन की जो नीतियां होती हैं, प्रक्रम की विशेषताओं का मतलब किस प्रकार के प्रक्रमों का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी क्या है, उसकी क्या खासियत है, वो तो प्रक्रम मिलिंग का है, ड्रिलिंग का है, बोरिंग का है, वो किस प्रकार का प्रक्रम है। तो सबसे पहले हमको उस प्रक्रम के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्वचालन की नीति ये है कि हम जिस भी चीज़ को स्वचालित करने जा रहे हैं उसकी विशेषता, उस प्रक्रम की विशेषता क्या है। तो पहले चीज़ तो हमको विशेषताओं का अध्ययन करना पड़ता है। तो पहले प्रक्रम की विशेषताएं हैं, फिर है संयुक्त प्रक्रम, मीन्स कंबाइंड ऑपरेशन, मतलब एक से अधिक अगर ऑपरेशंस आपके पास हैं या प्रक्रियाएं हैं तो उनको हम लोग कंबाइंड ऑपरेशन कहेंगे, ठीक। तो कंबाइंड ऑपरेशन के लिए भी क्या है, स्वचालन का प्रयोग किया जा सकता है। फिर है सतत प्रक्रम, साइमल्टेनियस ऑपरेशन, सतत,
इस सतत प्रक्रम के अंतर्गत, मतलब कि चलता रहे प्रक्रम, उसके अंतर्गत भी स्वचालन की प्रक्रियाएं हमारी चलती रहेंगी। प्रक्रम का एकीकरण मतलब विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों को हम क्या करें, एकीकरण कर दें, एक ही प्रक्रम में सभी चीज़ों को क्या कर दें, कंबाइंड कर दें और उन्हीं कंबाइंड वे में सारी चीज़ों को चलाएं, तो इसे कहते हैं प्रक्रम का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशन। नम्यता में बढ़ोतरी, नम्यता का मतलब हम स्वचालन के अंतर्गत जो भी प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, अगर हमको उसमें कोई संशोधन करना है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर के माध्यम से ही स्वचालित हो रही हैं और इनको आराम से हैंडल किया जा सकता है। तो इसे हम लोग कहेंगे प्रक्रम का एक नम्यता में बढ़ोतरी। तो नम्यता का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोग्राम में विभिन्न प्रोग्राम में अगर बहुत बड़े प्रोग्राम में अगर हमको थोड़ा सा भी अगर कोई परिवर्तन करना है तो हमको पूरे प्रोग्राम को बिना बदले हुए उस छोटे प्रोग्राम को बदल के अपने कार्य को हम क्रियान्वित कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन निरीक्षण, ऑनलाइन इंस्पेक्शन के अंतर्गत हम कोई भी एरर है उसकी गणना कर सकते हैं और उसको सुचारू ढंग से समय रहते उसका निस्तारण भी कर सकते हैं, ये ऑनलाइन निरीक्षण के अंतर्गत आएगा। फिर अब प्रक्रम नियंत्रण एवं बेहतरी, प्रक्रम को और नियंत्रित करने के लिए और बेहतर करने के लिए हम स्वचालन की नीतियों का प्रयोग करते हैं। प्रक्रम नियंत्रण का मतलब होता है प्रोसेस कंट्रोल, मतलब कि जो प्रोसेस आपका है वो कंट्रोल नियंत्रित तरीके से कार्य करे, मतलब ना उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, सही ढंग से चलता रहे, उसके सारे अंग अवयव जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सही डाटा आपको देते रहें, उनका जो भी सिग्नल आपको प्राप्त हो रहा है वो सही मिलता रहे। और बेहतरी का मतलब होता है हम जो इनपुट लगाते हैं उससे ज़्यादा हमको आउटपुट प्राप्त हो, इसी को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि हमने अगर इनपुट लगाया 5 का और आउटपुट मिल रहा है हमको 10 का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें एक रिज़ल्ट है कि आपको इनपुट से ज़्यादा आपका आउटपुट प्राप्त हो रहा है। फिर है संयंत्र नियंत्रण, प्लांट ऑपरेशन कंट्रोल, मतलब संयंत्र नियंत्रण निकाय, मतलब प्लांट के ऑपरेशन को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं स्वचालन की नीतियों के द्वारा। तो स्वचालन की नीतियों के द्वारा भी हर चीज़ें क्या नियंत्रित तरीके हो सकती हैं बिना किसी बाधा के। तो हम ये कह सकते हैं कि संयंत्र नियंत्रण के लिए भी स्वचालन की नीतियों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर आइए अगला हम पढ़ते हैं कंप्यूटर एकीकृत उत्पादन, 9वां पॉइंट है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग CIM। ये आप जान रहे थे, इससे पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि 1990 से लेकर 2000 के दशक में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और रोबोट मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग किया गया और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विनिर्माण का जो कार्य होगा वो कंप्यूटर के डिज़ाइन के माध्यम से ही किया जाएगा और इस ऐसी विनिर्माण की प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग होता है वो हमेशा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ही कहलाती है। ठीक, इसे कहते हैं कंप्यूटर के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया करना और उत्पादन की जो प्रक्रिया होगी वो डिज़ाइन को मद्देनज़र रख के ही वो सारी चीज़ें होंगी। फिर है सुधरा, 10वां पॉइंट है सुधरा किया हुआ मटेरियल हैंडलिंग एवं भंडारण। ठीक, अब सुधरा किया हुआ का मतलब हुआ कि जिसके ऊपर हम इम्प्रूव कर सकें, तो इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, मतलब कि जो भी मटेरियल हैंडलिंग अभी और स्टोरेज हो रहा था उससे अधिक मात्रा में इम्प्रूव हो जाए और वो सुधरा और रूप प्राप्त हो, तो ये स्वचालन की नीतियों के अंतर्गत ही आएगा। तो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चन है कि स्वचालन की नीतियों के अंतर्गत किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ों की गणना आपको करनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी। तो सुधार किया हुआ मटेरियल हैंडलिंग एवं भंडारण भी स्वचालन की नीतियों के अंतर्गत ही आता है और इसको भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि स्वचालन की नीतियों के बारे में बताइए, तो आपको स्वचालन की नीतियों के बारे में बताना पड़ेगा, ये सारी 10 नीतियों को लिखना पड़ेगा। और एक बार फिर हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, सबसे पहला है प्रक्रम की विशेषताएँ, दूसरा है आपका संयुक्त प्रक्रम, तीसरा है सतत प्रक्रम, चौथा है प्रक्रम का एकीकरण, छठवां है नम्यता में बढ़ोतरी, फिर उसके बाद है ऑनलाइन निरीक्षण, सातवां प्रक्रम नियंत्रण एवं बेहतरी, आठवें है संयंत्र नियंत्रण, नौ में है कंप्यूटर एकीकृत उत्पादन और 10 में है सुधार किया हुआ मटेरियल हैंडलिंग एवं भंडारण। तो ये 10 पॉइंट जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में है और इसको आप लिखेंगे। फिर है स्वचालन की आवश्यकता, स्वचालन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी है, तो पहला है कम श्रमिक की आवश्यकता के लिए। देखिए, हमको श्रमिक को कम करना है, तो जब हम स्वचालन कर देंगे और एक कंप्यूटर
10 प्रकार के श्रमिकों का कार्य अकेले कर सकता है तो हमें श्रमिक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कार्यों को करने के लिए हम श्रमिक को हटा देंगे, उस जगह पर कंप्यूटर को रख देंगे, तो हमें कम श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी। यह भी एक स्वचालन की एक आवश्यकता है। तो स्वचालन का मतलब ही हुआ कि उसको हम विभिन्न प्रकार के आदमियों का प्रयोग न करके एक सिंगल कंप्यूटर मशीन के द्वारा चलाएं तो वो आसानी से कार्य कर सकती है। फिर अधिक एवं सुगम उत्पादन के लिए, मतलब अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए भी हम स्वचालन का प्रयोग करते हैं। और सुगम उत्पादन का मतलब कि बिना किसी भी दिक्कत के, एक होता है सुगम, एक होता है दुर्गम। सुगम का मतलब जो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए वो सुगम होती है, और जो चीज़ें बहुत दिक्कत से प्राप्त हों वो दुर्गम हो जाती हैं। तो यहाँ सुगम का मतलब आसानी से उत्पादन भी चले, आसानी से क्या हो, उत्पादन की क्रिया भी हो। तो यहाँ पे क्या है, अधिक मतलब कि उत्पादन क्या हो, अधिक हो और सुगमता के साथ हो। मतलब सुगमता, अधिक का मतलब कि बहुतायत में उत्पादन हो, और सुगम मतलब आसानी से हमको प्राप्त भी हो जाए। तो अधिकाधिक उत्पादन हो और सुगमता के साथ आसानी से उत्पादन हो, वो स्वचालन के अंतर्गत होगा। फिर अधिक सुरक्षित वातावरण के लिए, मतलब कि मशीनें हैं, वो मशीनें अपना कार्य अपने निर्धारित समय अनुसार करती रहेंगी, जिस प्रकार से उनको निर्धारित निर्देश प्राप्त होता रहेगा, और ये अधिक सुरक्षित वातावरण के लिए भी उपयोगी होती हैं। तो अधिक सुरक्षित वातावरण के लिए भी हम स्वचालन की आवश्यकता हमको रहती है। तो सुरक्षित वातावरण के लिए हमको पूर्णतः उस वातावरण को पूर्णतः मशीनीकृत करना पड़ेगा, जिससे कि आसानी से कार्य हो पाए। फिर आपका है उच्च गुणवत्ता के लिए। भाई स्वचालन का मेन अर्थ है कि मशीनों का प्रयोग बहुत आयत में हो, और यहाँ पर मतलब गुणवत्ता का मतलब कि मशीनें हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि जल्दी होगी नहीं, और जब त्रुटि नहीं होगी तो उस समय गुणवत्ता की मात्रा हमारी बढ़ जाती है। तो अधिक गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, हर चीज़ों को स्वचालित कर देंगे, और जब स्वचालित कर देंगे तब वो चीज़ें आसानी से गुणवत्ता को उच्च करेंगी। तो जब गुणवत्ता उच्च होगी तब हमारा जो आपका स्क्रैप का रेट होगा वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक, जब गलतियाँ कम होंगी तो गुणवत्ता में सुधार होगा। फिर उत्पादन की डिलीवरी समय में कमी, मतलब हमको उत्पादन को अगर डिलीवर करना है और हमने एक समय निर्धारित कर दिया तो उसमें हमको बहुत आयत समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह सारी चीज़ें मशीनों के द्वारा हो रही हैं, और मशीनों के द्वारा होने से उनके समय में भी हमें कम समय में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन या उत्पाद हमको प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ डिलीवरी के समय में भी कमी लगेगा और वो मार्केट में आसानी से जा सकती हैं। उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन की लागत में भी, क्योंकि बहुतायत में जब उत्पादन हम करेंगे किसी भी उत्पाद का तो उनकी लागत में भी हमारी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि वो मशीनें आसानी से उसको कम समय में अति परिशुद्धता के साथ कर रही हैं, और उसी उत्पाद को विभिन्न प्रकार के संख्याओं में वो बड़ी संख्या में बनाती चली जा रही हैं। तो ये क्या है, उत्पादन लागत में कमी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, फिर है कम स्क्रैप बनाने के लिए। देखिए यहाँ स्क्रैप का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे स्क्रैप का सीधे तौर पर मतलब हुआ वेस्टेज मटेरियल। तो जब हमारा सारा चीज़ एक्यूरेट चलेगा विदाउट एनी एरर, तो हमें कहीं भी स्क्रैप या बेकार की चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी। तो एक कम स्क्रैप मतलब कबाड़ हमको जो होगा बहुत कम प्राप्त होगा। कबाड़ तब बनता है जब कहीं पर कोई चीज़ गलती होती है या कोई चीज़ वेस्टेज होता है। तो जो वेस्टेज मटेरियल से ही हमारा कबाड़ बनता है, तो वेस्टेज कब होगा, कब, जब हमारा सारा काम कंप्यूटरीकृत तरीके से कार्य करेगा। फिर है श्रमिक लागत में कमी। भाई श्रमिक की लागत में भी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मशीन हैंडल कर रही है, तो मशीनों के रहने से बहुत सारी चीज़ें भी आसानी से हैंडल हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, श्रमिक की लागत में भी धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाएगी। भाई मशीनें हम सारी यूज कर रहे हैं, उस समय हम श्रमिक का प्रयोग कम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें श्रमिक को लागत भी क्या करनी पड़ेगी, कम से कम देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्पादन लीड समय में कमी। देखिए उत्पादन लीड समय का मतलब ये हुआ कि एक उत्पाद आपका जो तैयार हुआ और दूसरे के तैयार होने में क्या होता है, समय भी कम लगता है। भाई एक उत्पाद तैयार होकर निकल गया और दूसरे उत्पाद को हमने वेटिंग में लगाया, अब वो एक उत्पाद के बने हुए उत्पाद के और दूसरे उत्पाद की वेटिंग में लीड समय बहुत कम हो जाता है, और हमको क्या होता है, उत्पाद अत्यधिक मात्रा में हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक, उत्पादन लीड समय में कमी।
एक उत्पाद अभी तैयार हो रहा है और दूसरे आपका वेटिंग में आ गया, इसका मतलब कि लीड समय में जब कम रहेगा तो हमारा उत्पाद जल्दी जल्दी बनता जाएगा और उसको हम मार्केट में उतार सकते हैं। फिर है कार्य दशा में सुधार के लिए। भाई देखिए, कार्य दशा का मतलब यहाँ पर हुआ वर्किंग कंडीशन, और यहाँ वर्किंग कंडीशन किसकी सुधार नहीं है, कार्य दशा मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ये है कि वर्किंग कंडीशन हमारी तब सुधरी रहेगी जब सारा काम सिस्टमेटिकली ढंग से कार्य करता रहेगा। और यहाँ पर तो हम सब कुछ स्वचालित कर रहे हैं और स्वचालन के होने से उसके वर्किंग इन्वायरमेंट में भी सुधार आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मशीनों के द्वारा प्रोग्रामिंग के द्वारा हो रही है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई मैनुअल वर्क नहीं किया जा रहा है, और इनके होने से हमारी कार्य दशा में भी सुधार मिलता रहेगा। तो एक बार पॉइंट सारे पॉइंट्स को फिर से हम समझ लेते हैं कि कम श्रमिक की आवश्यकता के लिए भी स्वचालन की आवश्यकता होती है, दूसरा अधिक एवं सुगम उत्पादन के लिए भी हम स्वचालन का प्रयोग करते हैं, अधिक गुणवत्ता के लिए भी हम स्वचालन का प्रयोग करते हैं, अधिक सुरक्षित वातावरण को प्राप्त करने के लिए भी हम स्वचालन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर है उत्पादन की डिलीवरी समय में कमी भी हमको हो रही है, और वो स्वचालन निकाय के द्वारा ही हो रहा है वो भी। फिर है उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन की लागत में भी कमी होती चली जा रही है। ठीक, स्क्रैप भी हमारा कम हो रहा है क्योंकि वेस्टेज कम हो रहा है, जब वेस्टेज कम होगा तो स्क्रैप भी कम बनेगा, जब वेस्टेज ज़्यादा होगा तब स्क्रैप भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे स्क्रैप इसलिए कम बन रहा है क्योंकि उत्पादन में हमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि जल्दी नहीं हो रही है, और त्रुटि न होने की दशा में स्क्रैप मटेरियल भी हमारा कम निकल रहा है। फिर है श्रमिक लागत में कमी, श्रमिक की लागत में भी कमी होगा क्योंकि हमको श्रमिक ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक ही मशीन विभिन्न प्रकार के श्रमिकों का कार्य अकेले कर ले रही है, इस नाते हमें किसी भी प्रकार की लागत में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। फिर है उत्पादन लीड समय में कमी, एक उत्पाद के बनने के समय दूसरे उत्पाद के आपको वेटिंग समय मिल गया, एक उत्पाद आपका बन के तैयार हो रहा है, दूसरा उत्पाद आपका वेटिंग में लगा है, उनके बीच का जो समय होगा लीड समय वो हमारा कम हो जाएगा। कार्य दशा में सुधार, कार्य दशा मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट भी आपका सेफ एंड सिक्योर रहेगा क्योंकि मशीनों का प्रयोग हो रहा है, इसमें कोई भी मानव हस्तक्षेप इसमें नहीं है, ना कि उसमें कोई मैनुअल वर्क किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी स्वचालन की आवश्यकता के अंतर्गत, और एग्ज़ाम में ये पूछी जाती हैं कि स्वचालन की आवश्यकता किन किन जगहों पर पड़ती है, ये सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। तो अगला आपका है पॉइंट है बेटा स्वचालन के लाभ, पहला है गुणवत्ता में सुधार।